को न सुनाऊं तो दिल राजी नहीं होता और यकीनन आपको पसंद आएगा। किसी ने अपने उस्ताद से सवाल किया कि उस्ताद, इमाम अली के बारे में आपकी नज़र, आपकी राय क्या है? तो उस्ताद ने मुस्कुरा कर कहा, सबसे अच्छा मकान मैंने कहा मस्जिद, और मस्जिद में सबसे अच्छी जगह मैंने कहा मेहराब, और सबसे अच्छा अमल नमाज, और नमाज में सबसे अच्छा अमल मैंने कहा सजदा, और सबसे अच्छी नमाज मैंने कहा नमाज फजर। बदन का सबसे अच्छा हिस्सा मैंने कहा सर, और सर का सबसे अच्छा हिस्सा मैंने कहा पेशानी, जो सजदे में ज़मीन बोस हो जाती है, और सबसे अच्छा महीना मैंने कहा रमज़ान, और सबसे अच्छी शब मैंने कहा लैलतुल क़द्र, और सबसे अच्छी मौत मैंने कहा शहादत। तो उस्ताद ने कहा, मेरा मौला अली, माह मुबारक रमज़ान, लैलतुल क़द्र, मस्जिद में, मेहराब में, नमाज सुबह में, हालत नमाज में और सजदे में उसे शहादत नसीब हुई। जी हाँ, मेरे मौला अली की मिसाल नहीं, ता क़यामत किसी को भी ये सआदत नसीब नहीं हुई कि काबे में उसकी विलादत हो और मस्जिद में उसकी शहादत हो। ये तो बस मेरे मौला अली को ही नसीब हुई है ये सआदत। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप भी भेजिए, शेयर कीजिए उन आशिकाने अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब को जो शायद इस पैगाम के मुंतज़िर हैं। खुदा हाफिज़।